नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमुला। प्रस्तुत हैं आज के खास समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आए सभी लोगों से एहतियात बरतने और जांच कराने की अपील की है। केजरीवाल के पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड में भी हलचल है। आपको बता दें कि बीते रोज केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कई पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी की। साथ ही उन्होंने देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड से जनसभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 जनवरी को उत्तरकाशी आएंगे। वो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के चुनाव अभियान के तहत कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी उत्तराखंड आएंगे। उधर उत्तराखंड में 9 जनवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अल्मोड़ा और श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करेगी। इसे पीएम नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक चिकित्सालय खटीमा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत की। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। तीमारदारों द्वारा चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया गया। वहीं सीएम ने बोइंग संस्थान द्वारा एयर इंडिया के माध्यम से नागरिक चिकित्सालय खटीमा को उपलब्ध कराई गई सिटी स्कैन मशीन के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। जहां एक ओर भाजपा जीरो टॉलरेंस सरकार की बात करती है, वहीं कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखती हुई नजर आती है। ताजा उदाहरण देर रात भगवानपुर थाना में देखने को मिला, जहां सिकरोड़ा गांव का एक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। इसी के चलते सूत्रों की सूचना पर पुलिस उक्त आरोपी को हिरासत में लेकर भगवानपुर थाना ले आई। लेकिन शायद पुलिस को मालूम नहीं था कि उक्त आरोपी भाजपा का नेता है। बस फिर क्या था, नेताजी को थाने लाते ही भाजपा नेताओं का तांता थाने में लगना शुरू हो गया। मामला इतना बड़ा कि भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव कर डाला, जिसके बाद मंगलोर सीओ पंकज गिरोला को भी रात में ही थाने आना पड़ा। वहीं भाजपा के विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उनके नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, इसी बात को लेकर वह भगवानपुर थाने में पहुंचे थे। और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में आज से अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 5 और 6 जनवरी को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आएगा। इन 3 दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। इससे आवागमन भी बाधित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी को राज्य के पर्वतीय इलाकों में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 5 जनवरी को राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चार समाप्त हुए, आप हमसे जुड़ने के लिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ। देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।